शांति। आज की तारीख है 16/4/23 और आज की ज्ञान मुरली हम सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली और तारीख है 3/4/94 की मुरली है। और आज की इस अव्यक्त ज्ञान मुरली का शीर्षक है संतुष्टता का आधार संबंध संपत्ति और सेहत माना तंदुरुस्ती। तो मीठे मीठे बाप दादा अपने मीठे मीठे बच्चों से बोले कि आज दिलाराम बाप अपने सदा संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट आत्माओं व संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। ये रूहानी मणियों की चमक सारे दरबार को चमका रही है। संतोषी आत्माएं स्वयं को भी प्रिय और सर्व को भी प्रिय और बाप की तो प्रिय है ही। तो ऐसे हो ना, क्योंकि इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में अप्राप्ति का नाम ही नहीं है। सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं हो तो जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ सदा संतुष्टता स्वतः और स्वाभाविक है ही। नेचुरल स्वभाव उसका संतोष का है और संतुष्टता का स्वरूप व स्वभाव या निजी संस्कार ऐसा श्रेष्ठ है जो असंतुष्ट आत्मा को भी संतुष्टता का वाइब्रेशंस वायुमंडल और संतोष उनको वायुमंडल में बदल देता है। इस संगम युग में विशेष बाप दादा की देन वरदान होता है ना, जैसे वो देन संतुष्टता है। एक संतुष्टता की विशेषता और विशेषताओं को भी सहज अपने समीप लाती है। लेकिन सदा संतुष्ट हो, परिस्थिति कितनी भी बदले लेकिन संतुष्टता की स्थिति को परिस्थिति बदल नहीं सकती। परिस्थिति है ही बदलने वाली, लेकिन स्वसंतुष्टता की स्थिति सदा प्रगतिशील है। आपके आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे ही अनुभव होती है जैसे पपेट कठपुतली का शो देखते हो ना, होता सब कुछ है लेकिन होता है पपेट शो। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के सर्व संतोषी आत्माओं को संतुष्ट मणियों को सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माओं को जिन्होंने भी याद पत्र कार्ड आज के दिवस के भेजे हैं तो आज के विशेष दिवस को भी सर्व बच्चों को याद प्यार और पदम गुणा स्वीकार हो, चाहे दूर बैठकर मन में या दिल में मना रहे हैं, चाहे सन्मुख मना रहे हैं। कार्ड व पत्र सब पहले वतन में पहुंचते हैं तो सभी के पत्र कार्ड और शुभ संकल्पों की याद शुभ भावनाओं की याद के रिटर्न में बाप दादा का विशेष याद प्यार और सर्व बालक सो मालिक बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान सतगुरु बाबा का अटूट याद के द्वारा सर्व समस्याओं का हल करने वाले उड़ता पंछी भव। मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि जब ये अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है वह स्वतः ही याद रहता है, याद किया नहीं जाता है। मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना, मेरा बाबा और मैं बाबा का, इसी को कहा जाता है सहज योग। ऐसे सहज योगी बन एक बाप की याद की लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। ये अटूट याद ही सर्व समस्याओं का हल कर उड़ती पंछी बनाए उड़ती कला में ले जाएगी। स्लोगन है, मनन शक्ति के अनुभवी बनो तो ज्ञान धन बढ़ता रहेगा। अच्छा, ओम शांति।